तो भाई लोग नया सीजन शुरू हो चुका है और इस नया सीजन का नया किट का स्किन परचेज कर लिया। ओ हो क्या दिख रहा है, मेरा 22,000 अप्रॉक्स मेरा इंसिग्नियस मिला है मेरे को, और इसके साथ साथ द स्ट्रेंजर बोल के ये बंदा ये भी परचेस कर लिया है। और ये बंदा कैसा है भाई, इस सीजन का फास्ट ओवर स्मार्ट मोस्ट डेंजरस कैंपर। चलो शुरू हो रहा है फाइट। अब इसका मूवमेंट देखो, नया सीजन नया स्किन लेके ऐसे बकचोदी करने वाला बंदा आ गया है। ओके, जब सामने जाओगे ना डिफरेंट अटैक करेगा, नहीं तो एक स्पेस लेके ये लोग खेलना पसंद करता है। ध्यान से देखना इसका गेम, ठीक है। अभी अटैक कर रहा है ना, ये देखो पीछे जा रहा है, मैं सामने गया अटैक नहीं कर रहा है, सामने जा रहा हूँ अटैक नहीं कर रहा है। ओके, अचानक अटैक कर रहा है। इसका पैटर्न बहुत ही अलग है, देखो मैं सामने जब जा रहा हूँ तब बैक टू बैक अटैक कर रहा है, नहीं तो एक डिस्टेंस लेके खेलना पसंद करता है। ओके ठीक है, इन जैसे लोगों को भी ट्रीटमेंट है मेरे हाथ में। ध्यान से देखो अभी मैं क्या करूँगा, ये जंप कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके चलो, अभी ये स्पेशल कनेक्ट हो गया, एक जंप। ओके एक चीज दिमाग में रखना। चलो फिर से एक स्पेशल, क्योंकि सामने वाला जो अटैक होता है ना, बेसिक अटैक बेसिक किक, ये तो नहीं होगा ना जब मैं सामने जा रहा हूँ बैक टू बैक अटैक कर रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस से जो अटैक होता है किट का वही कनेक्ट होगा जो कि है स्पेशल। ये देखो छोटा अटैक इन लोगों के साथ नहीं होता है, एक छोटा सा टिप्स है, थोड़ा डिस्टेंस से जो अटैक होता है। चलो ये हॉप एंड ग्रैब, एक होता है लॉन्ग अटैक वाला और दूसरा है हॉप एंड ग्रैब, इससे छोड़ के और कोई अटैक इन जैसे ओवर स्मार्ट कैंपर के लिए नहीं है। आप लोग देख रहे हैं भाई लोग टीडी गेमिंग 007। आज का गेम प्ले अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर देना। अभी 2625 मेरा ट्रॉफी है और टॉप 120 दिख रहा है रैंक में, ये तो नीचे चला जाएगा जब जितना दिन आगे बढ़ेगा। ओके चलो शुरू हो रहा है नेक्स्ट एज्यूमा। ओके पीछे जा रहा है और सामने जब जा रहा हूँ सेम चीज़ कर रहा है ये। ओके और ओके ठीक है, और इसके साथ इसका स्पेशल कनेक्ट, बहुत बढ़िया। सीजन का शुरू में ही दिमाग का हालत ख़राब होना शुरू हो चुका है, और इसके साथ थोड़ा सा हेल्थ भाई बाकी है मेरा, और मेरा शैडो बार फुल है। मैं कोशिश करूँगा एक शैडो लेने का। चलो ये ग्रैब, ये लोअर क्रिटिकल। ओके अभी ये जंप, और ये शैडो नहीं होगा, इसलिए इंडिया से लोग इस डिस्टेंस पे खेलता है। अगर आप शैडो ले लोगे ना तब कनेक्ट हो जाएगा ना, इसलिए बहुत दूर रहता है ये लोग। बहुत बढ़िया टेक्निक है और टैक्टिक्स है भाई, कैंपर का जो लेवल जो थॉट्स लेवल है इतना गंदा होता है क्या बताऊँ यार। अभी मैं मरकस लेके आ चुका हूँ, ये लोगों का हाथ में स्किल नहीं है, डॉज नहीं कर सकता है कोई भी अटैक को, इसलिए दूर जाके एक डिस्टेंस मेजर करके ये लोग खेलना पसंद करता है। अब ये पॉज हो चुका है, अगर दिल से आज का गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना भाई लोग। और मार्कस लेके मैंने एक चीज़ सोचा है, सिर्फ हेवी करके मारूंगा, कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, इन जैसे लोग अच्छा गेम खेलना डिजर्व नहीं करते। ओके अभी इस अटैक कर रहा है, एक हेवी कनेक्ट। ओके फिर से एक हेवी कनेक्ट, बैक टू बैक हेवी कनेक्ट हो रहा है, फिर से एक हेवी कनेक्ट। मैं चाहता था पूरा राउंड हेवी करके इसको मारूं, लेकिन क्या है ना इन जैसे लोग तो बहुत ओवर स्मार्ट हो चुका है, PhD कर चुका है ना, इन लोगों के हाथ में सारे ट्रीटमेंट हैं। देखो 20% से नीचे चला गया मेरा हेल्थ। ओके और इसी टाइम से मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, ये जो ओवर स्मार्ट है ना इसको ऐसे नहीं मार पाऊँगा मैं, इजी ऐसे स्पैम करके नहीं मार पाऊँगा, तो थोड़ा दिमाग लगा के इनके साथ खेलना पड़ेगा और इसका वीक पॉइंट देखना पड़ेगा। ओके चलो इसका वीक पॉइंट ढूंढता हूँ मैं। ओके और ये लोअर कनेक्ट, सामने जब आ रहा है ना एकदम प्रेडिक्ट करके अटैक कर दो,
लॉन्ग रेंज पे एजुमा के साथ नहीं, एजुमा जब सामने आ रहा है तब अटैक करना। देखो ये सामने आ गया ना, ग्रैब कर लिया, मतलब एजुमा लेके जब खेल रहा है पैटर्न इसका चेंज हो चुका है। जो फास्ट जो कैरेक्टर लेके आया था उसमें एक पैटर्न से खेल रहा था, एजुमा से दूसरा पैटर्न से खेल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो पैटर्न चेंज कर लिया है। ओके अभी मिडनाइट आ चुका है मेरा, और अभी देखो मिडनाइट इसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा। ओके बहुत संभल के ना एक रेंज कनेक्ट नहीं हुआ और ये स्पिनिंग कनेक्ट। ओके बैक किक, शिट नहीं 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 शैडो लगाएगा। ओके ये कनेक्ट, एक रेंज, छोटा सा हेल्थ, मतलब थोड़ा सा हेल्थ इसका बाकी है। ठीक है ठीक है, मतलब डिस्टेंस से जब करीब आ रहा है ना, सिर्फ स्पेशल करते करते ही सामने आ रही है एजुमा लेके। ओके और इसके साथ इसका एजुमा कंप्लीटेड। तो ऐसे भाई लोग बहुत ही ओवर स्मार्ट प्लेयर आप लोगों को मिलने वाला है सामने जब जाओगे, तो इसलिए थोड़ा ठंड दिमाग से खेलना, क्योंकि ये लोग ना हर एक राउंड पे डिफरेंट पैटर्न से खेलता है। अभी इसका लिंग आ रहा है, चलो एजुमा तो मेरे दिमाग में 100% नहीं आता, लेकिन लिंग का एक टिप्स मैं दे रहा हूँ। फिर से देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग पानी पी के शुरू करता है, और मैं सामने जाऊँगा। ओके मैं सामने गया रोल करके, और जब सामने जा रहा हूँ ये देखो सिर्फ बेसिक करता है ये जंप, फिर से बेसिक, मेरा 50% हेल्थ, मतलब सामने नहीं जा पाओगे आप लोग, ध्यान से रखना। और ये हॉप एंड ग्रैब, एक्सीडेंटल बेसिक करने का बीच में हॉप एंड ग्रैब हो जाता है। अगर सामने जाना चाहते हो तो एक ऐसे अपर करके इनविजिबल हो जाओ, इनविजिबल हो के सामने जाओ, और पूरा टाइम देखना उसका शैडो बार की तरफ, उसका शैडो बार कहाँ पे है, क्योंकि ये लोग 100% शैडो लेता है। ओके मैं देखो उसका शैडो कैसे डॉच करता हूँ, देखो सामने से अटैक नहीं हो रहा है, ये देखो इनविजिबल हो गया, और ये क्योंकि मेरे को पता था वो शैडो लेगा। और ये जंप किक, स्पिनिंग, ओके सेम चीज़ कर रहा है ये, फिर से इसका शैडो बार फुल हो चुका है। देखो अभी ये एक्सीडेंटल शैडो नहीं लिया, इतना स्मार्ट है। ओके देखो हाथ में स्लैशिंग स्ट्राइक है, लेकिन अटैक नहीं करेगा मेरे को मालूम है। देखो धीरे धीरे सामने आ रहा है, ये रेंज, सामने आने का टाइम में रेंज कर दो, चला जाएगा उसका शैडो। ओके ये देखो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो सेम चीज़ कर रहा है, हॉप कर रहा है, बेसिक कर रहा है, इसलिए ये मूव्स किया मैंने। कैसा लगा आज का गेम प्ले, अच्छे लगे तो दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऐसे ही बैक टू बैक गेम प्ले देखने के लिए। देखते रहो टीटी गेमिंग, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और टीटी का साथ रहो।